हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 5 बजे से, लगभग 10-5 मिनट कम ही होंगे, 5 नहीं बजा होगा, क्योंकि 4:30 बजे उठ गई थी मैं। तो फिर फ़ोन थोड़ा सा सेट उठ करने में जो कुछ समय लगा होगा वहीं होगा, लगभग 4:45 के होगा। तो यहाँ पर मैं सो के उठती हूँ, तो मेरा पहला काम रहता है 10-15 मिनट टहलती हूँ, फिर उसके बाद तो ब्रश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रश, 10 मिनट मैं इधर उधर चली हूँ घर में ही, कहीं और नहीं गई थी, या छत पे भी नहीं गई थी, नहीं तो 4:30 बजे उठ जाती हूँ तो छत पे चली जाती हूँ, या तो फिर कभी 4 बजे उठती हूँ तो बाहर जाती हूँ सड़क पे, नहीं तो फिर यहाँ पे ब्रश हो रहा है मेरा। और सुबह उठ जाते हैं तो सुबह में बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं कि जो निपट जाते हैं, हो जाते हैं पूरा। तो यहाँ पर ब्रश मेरा कम्प्लीट हो चुका है, आ गई हूँ मैं किचन में, और रात में हम किचन साफ़ करके सोते हैं तो सुबह देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्लीन क्लीन सब रहता है, तो बस काम ही रहता है। तो किचन मेरा यहाँ पर रात में ही क्लीन हो गया था, कभी रहता नहीं वैसे, किचन तो क्लीन ही हो जाता है। तो पानी मैंने गर्म कर लिया है, फिर उसके बाद पानी लेके आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पर 10 मिनट बैठूँगी, इस रूम में कोई सोया नहीं था, ये रूम खाली था। तो पानी लेके बैठ गई हूँ, पानी पी लिया है मैंने, पानी पीने के बाद आ गई हूँ किचन में। 10 मिनट हम पानी पीने के बाद इधर उधर चले, तुरंत चाय नहीं बना रही हूँ, लेकिन रिकॉर्ड यहीं किया है चाय के लिए। तो हम 2 बजे भी उठ गए थे, फिर 10 मिनट हम बाहर गए थे गाय के पास, तो उधर 10 मिनट टहली, फिर उसके बाद आई हूँ किचन में। तो अभी बना रही हूँ चाय, तो चाय रख दे रही हूँ, 2 बजे को बोल के आई हूँ कि वो ब्रश कर लें। तो इसके बाद अभी बच्चे तो सोए हैं, बच्चे अभी चाय नहीं पियेंगे। और इधर मैंने रात में जमाया था दही, तो उसे रख दिया है उठाकर फ्रिज में, जम गया था। भादों का महीना है तो इस महीने में शायद दही नहीं खाते हैं, शायद क्या नहीं खाते हैं हम लोगों के यहाँ, तो इसलिए दही कम जमाती हूँ, थोड़ा सा जमा दी थी, मुझे मन था तो 1 कटोरी जमाई हूँ, तो रख दिया है फ्रिज में खाने के लिए है। तो हम लोग दोनों चाय पी रहे हैं, और उसके साथ जो नमक वाला समोसा है, होता है चाय वाला समोसा, तो वहीं लेके एक एक दो दो ले लिया है, दो दो लेके आई थी बट लिया है मैंने एक ही, क्योंकि नहीं मन कर रहा था खाने का, फिर भी एक ले लिया है। तो अभी हो रहा है हम लोगों का चाय, चाय के बाद तो फिर देखते हैं क्या काम होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अगर हम समय से उठ जाते हैं तो हमारा बहुत सारा काम हो जाता है समय पर ही, और बहुत आराम आराम से काम होता है, फिर भी लेट नहीं होता। लेकिन यह है कि सुबह का काम थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है, क्योंकि आराम आराम से करने का समय नहीं होता है, और मुझे झाड़ू लगाना रहता है, कि जैसे कि रात भर में रहता है कि सुबह सो के उठते हैं एक बार झाड़ू लगा के तब नहाने जाएं तो घर साफ साफ सुथरा रहता है, और कुछ नहीं है। और मुझे जैसे कि पोछा लगाना हो या फिर धुलना हो, किचन भी धुलती हूँ, पोछा लगाती हूँ रात में ही, तो कभी धुल लेती हूँ कभी पोछा लगा लेती हूँ, ऐसे करके नियम कोई नहीं है कि नहीं डेली पोछा ही लगेगा या डेली धुलना भी है, तो पानी डाल के धुल लेती हूँ। आंगन और किचन दोनों रूम में तो पोछा ही लगता है सभी रूम में, तो वहीं सब सुबह वाला काम कर रही हूँ। रात में ही अगर हम पोछा लगा लेते हैं, धुल लेते हैं तो सही रहता है, क्योंकि बाहर मिट्टी है, जैसे कि मैंने आप लोगों के आगे वीडियो में भी दिखाया है, तो मिट्टी होने की वजह से पूरा मिट्टी घर में आ जाता है, तो इसलिए पैर पैर से लगता रहता है, तो सुबह धुलते हैं तो ख़राब हो जाता है सब, तो इसलिए मैं रात में ही चाहे पोछा लगाना हो चाहे धुलना हो दोनों काम रात में ही करती हूँ, और सुबह सुबह में झाड़ू लगा लेती हूँ। बस कुछ दिनों में आगे वाला भी कुछ सही हो जाएगा, बनने वाला है, तो देखते हैं अगर बन जाएगा तो सही हो जाएगा फिर। तो वीडियो कट कट करके मैंने बनाया है, क्योंकि बस झाड़ू लगा रही हूँ, जल्दी जल्दी सब रूम में मैंने लगा लिया है, पहले किचन में लगाया, फिर गलियारा में लगाया, फिर स्टोर रूम में, जैसा कि सामने जो दिख रहा है दरवाज़ा थोड़ा सा बंद है, स्टोर रूम है, फिर इधर एक जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ खुशी वाला रूम है, और उधर मेरा रूम था, तो सब रूम में मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से, और सामने आगे वाला रूम रह जाएगा। तो ये सब बटोर के जब जाती हूँ मैं साफ़ करके, तो फिर लास्ट में उधर रूम जो है तो उधर वाला दोनों रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरा सुबह का काम होता है, यही है मेरा सुबह का रूटीन। और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगे। हाँ गाइज, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। तो झाड़ू वाला काम, तो बस झाड़ू वाला काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, आगे वाला दोनों रूम रह गया है, तो बस वहाँ पे जा रही हूँ झाड़ू लगाने। आगे वाला रूम है बेटा वाला रूम, और उसके बाद जो आगे है तो वाला रूम भी है झाड़ू लगाना, तो बस वहीं रह जाएगा। सीढ़ी भी इधर मैंने लगा लिया है, और वीडियो कट कट कर दिया है, क्योंकि फुल वीडियो बनाती तो बहुत बड़ा हो जाता,
तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो यहाँ पे दूध था, थोड़ा सा ही दूध था, ज़्यादा आज पता नहीं क्यों गाय लगी ही नहीं, तो थोड़ा सा दूध था तो उसे मैंने छान लिया है, अच्छे से छान के रख दूँगी और बाद में उबालूँगी दूध जब खाना बनाऊँगी, तो गैस अभी नहीं चालू करूँगी नहीं तो भूल जाऊँगी तो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और इधर मैं कप में फेंटने लगी थी थोड़ा सा मुलेठी पाउडर और कच्चा दूध, दूध छानती हूँ तो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि 10-5 मिनट लगा के तो फिर नहाने जाती हूँ, नहाने वाला काम रह गया है अभी, तो बस यही दूध चेहरे में लगाऊँगी, दूध और मुलेठी पाउडर, तो जब भी मुझे समय मिलता है तो ऐसे लगा लेती हूँ मैं, और ज़रूरी नहीं है कि डेली लगाती हूँ लेकिन हाँ समय मिलता है 2-4 दिन 1 हफ्ता तो लगा भी लेती हूँ। तो बस उसके बाद लगाने के बाद मैं आ गई थी, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने लगा लिया है फेस में, पूरा कवर कर लिया है अपने, फिर उसके बाद मैंने सोचा 10-5 मिनट लगाई हूँ तो सूख भी जाएगा, तब तक मैं कट कर लेती हूँ सब्जी अपना, यहाँ पे कोहड़ा कट कर रही थी, कोहड़ा कट कर लिया है, फिर उसके बाद आ गई मैं बाथरूम में, तो सीधे पहले मैंने चेहरा वाश कर लिया क्योंकि नई नई साड़ी थी, कपड़ा था तो सब गिर के लग जाता, इधर उधर होता फैलता मुलेठी पाउडर, क्योंकि अगर उसमें मैं मुल्तानी मिट्टी मिला देती तो थोड़ा सही रहता, और ऐसे तो गिर जाता है झड़ता रहता है चेहरे में से, तो पहले मैंने इसे साफ़ कर लिया, फिर यहाँ पे कपड़ा धुल रही हूँ, और एक कुर्ती है मेरी, तो ये कुर्ती दुपट्टा सेट है तो ये मैं पहन के गई थी एक दिन मिर्जापुर, तो इसे पहले मैं धुल ले रही हूँ क्योंकि वाइट है, तो पहले इसे वाइट धुल ले रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि मैं कपड़ा डेली शाम में लगाती हूँ मशीन, तो सब कपड़ा तो धुल लेती हूँ लेकिन मेरा कपड़ा साड़ी रह जाता है, जो कि साड़ी मैं नहीं डालती वॉशिंग मशीन में, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं साड़ी और ये कुर्ती, तो जो इसमें स्टोन रहता है या सितारा रहता है, छोटे छोटे नग रहते हैं, तो सब वॉशिंग मशीन में ही रह जाते हैं इसलिए मैं नहीं डालती उसमें। तो यहाँ पे अपनी साड़ियाँ अपने हाथ से ही धुल रही हूँ, और वैसे तो मशीन वाला काम डेली ही होता है धुलाई वाला काम, तो ऐसे ज़्यादा कपड़ा नहीं, मेरा ही कपड़ा है, तो मेरा कपड़े में भी ज़्यादा हो गया है, स्कूल पहन के जाती हूँ सब साड़ियाँ हैं, 4 साड़ी है यहाँ पे मैंने रखा है धुलने के लिए और एक कुर्ती, तो जल्दी जल्दी पहले इसे ख़त्म कर लेती हूँ कपड़ा वाला काम। तो खाना बनाने में मैं आज ज़्यादा कुछ भारी नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी मैंने पहले से तैयारी करके रखा हुआ है कि कोड़े की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी, और तो काम यही रहेगा मेरा, तो जल्दी जल्दी पहले नहाने वाला काम ये सब काम कंप्लीट कर ले रही हूँ साड़ी कपड़ा वाला, तो उसके बाद फिर मैंने नहा लिया और नहाने के बाद आ गई हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ चुकी हूँ अपना, और इधर मेरा गुड़हल का फूल है जहाँ से मैंने फूल तोड़ा हुआ है, इधर नींबू का पेड़ है, और इधर गुड़हल के पास में ही है अमरूद का पेड़, तो ऐसे छोटी सी बागवानी मैंने लगा रखी है अपना, और अच्छा भी लगता है हरा भरा, और पीछे खेत है सब तो अच्छा लगता है देखने में, और अपने हाथ से जो नींबू तोड़ने में और फूल तोड़ने में मज़ा आता है वो और कहीं से नहीं आता। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, पूजा बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं करती क्योंकि सुबह काम भी होता है लेकिन ये भी ज़रूरी होता है, 10 मिनट अगर हम बैठ जाते हैं भगवान के पास तो बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, पूरा दिन काम अच्छे से होता है और मन भी सही रहता है कि हाँ मैंने कर लिया है, नहीं तो लगता है कुछ छूट गया है, तो इसलिए करती हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं 1-2 घंटा बैठ के पूजा करूँ, तो इतना समय नहीं करती। और तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसके बाद सब्जी तो मैंने कट कर लिया था आप लोगों को जैसा मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने नहीं किया था जो कि हरी मिर्च और लहसुन कट नहीं किया है, तो यहीं कट कर रही हूँ, तब तक उधर कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, तेल गर्म हो जाएगा और इधर कट करके तो फिर ले जाऊँगी बनाने के लिए सब्जी। और तो इधर मैं सब्जी भी छौंक रही हूँ, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने सब्जी रख दिया है एक साइड और एक साइड रख दिया है दूध, तो सब्जी में मैंने थोड़ा सा वही रेगुलर वाला अपना मसाला डाल दिया है, सब्जी मसाला जो भी रहता है, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और नमक स्वाद के हिसाब से, बस तो हो गया मेरा सब्जी रेडी, और कुछ इसमें नहीं, बस ढक के पकाना है इसको। तो यहाँ पे मैंने पका लिया, सब्जी हटा भी दिया है और कढ़ाई रख दिया है, बनाऊँगी पूड़ियाँ, तो पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ और पूड़ियाँ बनाती जाऊँगी, साथ के साथ मैं सबको खाना भी खिला दूँगी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, पहले 10-5 पूड़ी बना के निकाल के रख लूँगी, फिर उसके बाद सलाद काटूँगी, सलाद काटने के बाद तो फिर खाना सबको दे के आऊँगी, तो फिर पूड़ियाँ तलती रहूँगी और सबको देती रहूँगी खाने के लिए। तो यही है मेरा रूटीन, सुबह वाला रूटीन, और रूटीन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, और क्या बोलूँ गाइस, जो समझ में आए करिएगा,
और फिर उसके बाद मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो लगभग मेरा खाना बन चुका है और बस आज का वीडियो यहीं तक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा मुझे। और आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में। काम ही जल्दी नहीं ख़त्म होता है, लगता है कि कितना देर हो गया। और जब समय से उठ जाते हैं, समय से सब काम हो जाता है, तो फिर थोड़ा आराम करने के लिए भी समय मिल जाता है और काम भी हो जाता है। तो मैंने सुबह का ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो। और